नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रकवर, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है राज्य लोक सेवा आयोग। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन एवं राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 फर्स्ट में उल्लिखित है कि संघ एवं राज्य सरकारों के लिए पृथक पृथक लोक सेवा आयोग होंगे। अतः इस अनुच्छेद के आधार पर भारतीय संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो केंद्र के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की संतुति करता है। दूसरी ओर राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, जो राज्यों की सरकारों की सहायता एवं सलाह के लिए कार्य करते हैं। इनका सर्वप्रमुख कार्य सरकारी सेवाओं के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करना है। शासन की सफलता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के योग्य ईमानदार एवं कर्तव्यपरायण अधिकारियों पर ही निर्भर करती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या को निश्चित करने का अधिकार राज्य के राज्यपाल में निहित है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। इस आयोग के आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जो कम से कम 10 वर्ष तक सरकारी पदों पर कार्य कर चुके हों। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य लोक सेवा आयोग इलाहाबाद प्रयाग में स्थित है। लोक सेवा आयोग के गठन के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल बिंदु पर चर्चा करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग की भांति राज्य में भी लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है, किंतु यदि 6 वर्ष से पूर्व कोई सदस्य 62 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उस स्थिति में उसे 6 वर्ष से पूर्व ही अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। सेवानिवृत्ति आयु के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्थिति भी समान है। इसी प्रकार प्रांतीय लोक सेवा आयोग के सदस्यों और उच्च न्यायालय के सदस्यों की स्थिति समान है। इसके अतिरिक्त दुराचार वियोग के आधार पर राज्यपाल किसी सदस्य को पदच्युत करने का अधिकार रखता है, किंतु उसका अपराध उच्चतम न्यायालय द्वारा सही सिद्ध होने पर ही ऐसा किया जा सकता है। यदि कोई पदाधिकारी इस पद पर रहते हुए किसी अन्य सेवा में संलग्न हो जाए, दिवालिया घोषित हो जाए या मानसिक दोष युक्त हो जाए, तो इन सभी स्थितियों में ऐसे सदस्य को पदच्युत किया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य। राज्य लोक सेवा आयोग के जो प्रमुख कार्य हैं उनका विस्तृत अध्ययन। पहला जो राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य है, प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा एक व्यक्तियों का चयन करना। राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कर योग्य व्यक्तियों का राज्य सरकार की सेवा के लिए चयन करना है। कुछ पदों के लिए लिखित तथा मौखिक दोनों ही परीक्षाएं अनिवार्य होती हैं, तथा कुछ पद ऐसे भी होते हैं जिनके लिए साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के अंतर्गत जो इसका अगला कार्य है,
वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का विशेष महत्व होता है। इस रिपोर्ट में आयोग आगामी वर्ष के अपने विस्तृत कार्यक्रम का विवरण देता है तथा उन बिंदुओं को भी स्पष्ट करता है जिन्हें राज्य सरकार ने अस्वीकार कर दिया हो। इस रिपोर्ट को आयोग राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। राज्यपाल इस विवरण पत्र को राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। इससे यह ज्ञात हो जाता है कि राज्य सरकार आयोग की संततियों को किस सीमा तक स्वीकार करने के लिए सहमत है, जिससे आयोग अपने कार्य को निश्चित रूप देने में सफल होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के अंतर्गत जो अगला कार्य है, परामर्श देने का कार्य। राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, अनुशासन एवं अन्य अनेक क्षेत्रों में भी सरकार को परामर्श देता है। राज्यपाल द्वारा भेजे गए अन्य किसी मामले के संबंध में भी लोक सेवा आयोग परामर्श देता है। लोक सेवा आयोग के कार्यों में जो अगला कार्य है, क्षतिपूर्ति की सिफारिश करना। यदि किसी कर्मचारी को सरकारी पद पर कार्यरत रहते समय किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक क्षति हो जाती है तो सरकार को कर्मचारी को कितनी धनराशि देनी चाहिए या अपने पद से संबंधित किसी विषय पर सरकार के विरुद्ध लड़े गए मुकदमे में जिसे वह जीत चुका है कितनी धनराशि मिलनी चाहिए आदि इसी प्रकार के अनेक विषयों से संबंधित बिंदुओं पर आयोग सरकार को परामर्श देता है। अतः यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग अनेक रूपों में महत्वपूर्ण संगठन है। इस प्रकार आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन एवं उसके कार्य, जिसका विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।